नमस्कार, आप देख रहे जम्मू परिवर्तन। मैं हूं नवीन शर्मा। आज उधमपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को ट्रैफिक के बारे में जागरूक किया जा रहा है, कानून यातायात कानून के नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर एसएसपी उधमपुर सरगुण शुक्ला मौजूद है। वही आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि यहां पर लोगों को हेलमेट जो है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा बांटी जा रही है। और मोबाइल पीछे पुलिस प्रशासन द्वारा जो है वाहन चालकों को, दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट बांटी जा रही है और अवेयर किया जा रहा है कि जब भी वह दोपहिया वाहन चलाएं तो हेलमेट जरूर पहने। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। एसएसपी उधमपुर जी, कोविड के चलते एक तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा हमने कि इवेंट, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म था, बहुत सारे लोगों को नहीं जोड़ पाए क्योंकि हमारे पे भी वही 25 लोगों का जो कंडीशन अप्लाई करता है रिट्राई, बट द मैसेज हैज गॉन फार आउटर एंड वाइडर। उसमें हम लोगों को थैंक यू बोलते हैं कि इस नोबल आई वुड से इनिशिएटिव में वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दूसरा ये चीज है कि ऑफन वी आर सीन ओनली एज एनफोर्सर्स, जहां लोगों को लगता है कि हम सिर्फ चालान काटते हैं या लोगों को सिर्फ हम एक ट्रैफिक वीक में ही अवेयरनेस करते हैं, तो हमने ये डिसाइडेड दैट लेट्स ट्राई एंड इंश्योर कि वो चीज सिर्फ एक हफ्ते के लिए या एक स्पेशल इवेंट के लिए नहीं, वील ट्राई एंड इंश्योर कि ये थ्रू आउट हम कुछ कुछ इवेंट्स करते रहें। पर्पज एक ही है कि अवेयरनेस रेज करना है हमें, पर्पज एक ही है कि जितने मैक्सिमम लोगों को हम अपने साथ जोड़ पाए, जितने मैक्सिमम लोगों में हम ये मैसेज इनकलकेट कर पाए दैट ट्रैफिक सेफ्टी अपने लिए है, अब किसी और के लिए उतना लाइक इट इज नॉट दैट यू आर डूइंग अ फेवर टू समबडी, आप अपने आप को सेफ करें सबसे पहले, उसके बाद किसी और के लिए है। तो ये आज एक हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव है, और बट क्योंकि हम कोविड से ये पिछले डेढ़ साल से जूझ रहे हैं, तो कोविड हमारा एक इंटेग्रल पार्ट बन जाता है, जिसके अंदर हमारे साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ी हैं एंड वी हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग सैनिटाइजर्स एंड मास्क एंड बेसिक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एज वेल, जो हम पिछले कई महीने से कर रहे हैं, उसको भी हमने आज कॉन्टिन्यू। मैम, पुलिस प्रशासन द्वारा आए दिन जो नाके लगाए जाते हैं, हम बात करें उधमपुर के सलाथिया चौक की, काफी व्यस्त चौक है क्योंकि दार रोड से जब से जो बसेज हैं वो गुजर रही हैं, वो काफी वहां पे जाम की समस्या रहती है। जब वहां पे पुलिस प्रशासन का नाका लगता है तो वहां से मेट्रोडोर हटाई जाती है, जो ट्रैफिक जो है वहां पे नहीं लगती है। क्या कदम पुलिस प्रशासन उठाने जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में जो सलाथिया चौक है काफी व्यस्त होगा और काफी मेट्रो वहां पे स्टैंड बन चुका है, उनको हटाने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा? देखिए, हमारे को लोगों को आवाजाही के लिए सहूलियत भी देनी है और एट द सेम टाइम हमारे को ये एक चैलेंज जो है कि ये जितनी भी सड़कें बनी हुई हैं, जो टाउन प्लानिंग है ये बहुत पहले की है एंड द पेस एट विच वी आर ग्रोइंग, जो हमारी ग्रोथ ऑफ कमर्शियल वो है वो बहुत फास्ट है, तो इसलिए हमारे को ये दोनों चीजों को पैरेलल करके रख के चलना पड़ता है। एट द कॉस्ट ऑफ वन हम दूसरे को नहीं कर सकते हैं, हमें लोगों को जरूर ये सड़क का जो राइट ऑफ वे है वो देना है एंड इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपका जो स्टॉपेज है मिनिमाइज कर पाए ताकि आपको आवाजाही के लिए मैक्सिमम पॉसिबल जो है हम रोड अवेलेबिलिटी कर पाए।